सर पड़ोसी की तमन्ना और नौजवानों को प्रेरित करने वाली चीज जो मैं कहता था युवाओं को विशेषकर कि कश्ती को डुबो दे डो उसे तूफान कहते हैं, कश्ती को डुबो दे डो उसे तूफान कहते हैं, जो तूफानों से टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये दिनकर जी की जनता की लाइन की थी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इस उद्घोष के साथ जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में पूरे देश के विपक्षी दलों की, छात्रों की, नौजवानों की, मजदूरों की, महिलाओं की, युवाओं की जो रैली निकली, एक तो उससे तत्कालीन सरकार हिल गई इंदिरा गांधी, जिसमें रीवा में 80 लोगों के साथ मेरी भी गिरफ्तारी हुई और 18 महीना 6 दिन हमने आपातकाल के दौरान जेल के अंदर मीसा के तहत जीवन यापन किया और यातनाएं सही जेल की। जेल में तत्कालीन उस समय के जिला कलेक्टर जो थे धर्मेंद्र नाथ, वो आए। उनके आने का मकसद था कि मीसा बंदियों से मिलके उनका हाल चाल लेना। अच्छा, मतलब क्षमा याचना की भी कोई स्थिति नहीं थी, नहीं थी। इसीलिए उस जमाने में 3 शब्द बड़े फेमस हुए थे पूरे देश में, नो अपील, नो दलील, नो वकील। माने आप न अपील कर सकते हैं, न उस अपील की सुनवाई के लिए वकील कर सकते हैं, ना कोई दलील दी जा सकती है। आपको एक ओपनिंग बैट्समैन के रूप में देखा जा रहा था। हाँ, ये बात सही है कि जब हम 74 से इमरजेंसी के पहले से ही जब नुक्कड़ सभाएं होती थी, अपने मूल्य यहाँ पर यारों आज मगर वे कहाँ खो गए, आजादी के दीवानों के देखे सपने कहाँ खो गए। और अंतिम पंक्ति है कि बापू की बातें मत छेड़ो, बापू महात्मा गांधी, बापू की बातें मत छेड़ो, कारगिल चारों ओर हो गए, लोकतंत्र बस नाम का यारो, संसद के वसोर हो गए। जो मेरी भावना है, मेरे विचार है, मेरा चिंतन है पूरे जीवन का, कि दिल से नफरत को मिटाना चाहता हूँ, प्यार की दुनिया बसाना चाहता हूँ, दिल से नफरत को मिटाना चाहता हूँ, प्यार की दुनिया बसाना चाहता हूँ। और हो ना छोटा या बड़ा कोई जिसमें, हो ना छोटा या बड़ा कोई जिसमें, एक घर ऐसा बनाना चाहता।